नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम दानिश कनेरिया 261 है और आज हमारी YouTube की फैमिली 261K हो चुकी है और ये सारा का सारा क्रेडिट आप लोग को जाता है बिकॉज आप लोग ने जो प्यार और सपोर्ट हमें दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी YouTube की फैमिली इसी तरह बढ़ती चली जाएगी और आप लोग इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। अभी करते क्रिकेट की बात। क्रिकेट में क्या चल रहा है? एक अच्छी न्यूज़ है, BCCI ने अपने फैंस और जो IPL को सपोर्ट करते हैं और जो IPL क्रिकेट देखना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ दी है। BCCI ने, उनके चेयरमैन सौरव गांगुली ने कहा है कि डिस्पाइट इन डिसीजन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम ICC, अभी ICC ने डिसीजन नहीं लिया है कि T20 वर्ल्ड कप का क्या सिनेरियो है, कहाँ होने जा रहा है, होगा कि नहीं होगा, बट IPL होगा और ये मोस्ट लाइकली सितंबर या अक्टूबर में स्टेज करेगा IPL। अच्छी चीज़ ये है कि ऑल द फ्रेंचाइजेस, ऑल द प्लेयर्स, इवन द फॉरेन प्लेयर्स, द स्टेक होल्डर्स आर ऑन द सेम पेज। जब सब सेम पेज पर होते हैं तो ये चीज़ होती है और ये मोस्ट लाइकली ये चीज़ होगी और IPL हमें देखने मिलेगा बिकॉज हम भी वेट कर रहे हैं। IPL की जो क्रिकेट होती है धुआंधार क्रिकेट होती है और वी रियली इन्जॉय इट। उसमें सिर्फ ये है कि ग्राउंड में जाके फैंस जो है अपनी टीम्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये एक चीज़ है, बट वी हैव टू लिव विद दैट बिकॉज जो सिचुएशन है उसके अंदर एटलीस्ट वी विल सी द क्रिकेट इज़ गोइंग ऑन। और ये प्लेयर्स के लिए भी आसान नहीं होगा फैंस के बगैर खेलना, बट एटलीस्ट समथिंग विल बी हैपनिंग इन T20 क्रिकेट। अभी बात करते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम पहुंच गई है और जुलाई 8 को उनका पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है साउथहैम्पटन पे। और ये टेस्ट मैच जो है आफ्टर 5-6 मंथ एक क्रिकेट होने जा रही है। वी ऑल वेटिंग फॉर इट बिकॉज इट विल बी नॉट बी ईजी। इसके लिए ईजी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, SOPs है। और एज अ प्लेयर अगर हम ICC ने जो रेगुलेटरीज बनाई हुई है पेंडेमिक को लेते हुए, उसके अंदर सलाइवा को बैन कर दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2-3 दफ़ा रिलियंट जो है अंपायर जो है लीनियन रहेगा, लेकिन आफ्टर 3rd या 4th टाइम वो 5 रन की पेनल्टी दे देगा। ठीक है, लेकिन इट विल बी नॉट, अगेन आई एम सेइंग, ये इजी नहीं होगा क्योंकि एज अ प्लेयर आपका हाथ चले जाता है बॉल के ऊपर, आप सलाइवा को अचानक से ही एक जो है अगर उसने यूज़ भी नहीं करना है, शाइन भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक होता है क्योंकि इतने टाइम से एक चीज़ चलती हुई आ रही है, उसको एकदम से अपने सिस्टम में से निकालना इजी नहीं होगा प्लेयरों के लिए। और फिर दूसरी बात, टीम वहाँ पहुँच गई है, क्वारंटाइन किया हुआ है, क्वारंटाइन के बाद जो SOPs को फॉलो करनी है, प्रेशर बहुत रहेगा प्लेयर्स के ऊपर, दोनों टीमों पर प्रेशर रहेगा, अंपायर्स पे भी होगा प्रेशर, इवन के ब्रॉडकास्टर्स का जो इतना बड़ा क्रू आता है उसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा क्योंकि ये पैंडेमिक के अंदर ये सीरीज़ खेली जा रही है। और आफ्टर 5-6-1 हम एक बड़ी क्रिकेट सीरीज़ देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो और अच्छे से ये सीरीज़ हो कि एटलीस्ट क्रिकेट के दरवाजे भी खुल जाए और क्रिकेट भी स्टार्ट हो जाए दोबारा विद SOPs के साथ और रेगुलेशन के साथ। बट इसके अंदर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी क्योंकि प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहेगा, आपको सब चीज़ें देखनी है, परफॉर्म भी करना है, फिर बहुत सारी चीज़ें नई भी यूज़ करनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द हाउ द टेस्ट मैच गोज एंड हाउ विथ SOPs द प्लेयर्स जो है उसको कोप कर पाएंगे। तो ये न्यूज़ है क्रिकेट की दुनिया से। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।